आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद नगर में रेडीमेड कपड़े के व्यापारी के किराए के मकान में अज्ञात चोरों ने सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 5.5 लाख रुपये नकदी की चोरी हुई। प्रार्थी रमेश देवासी पिता रामाराम देवासी निवासी पाली मारवाड़ हाल मुकाम धरियावद हाई सेकेंडरी स्कूल रोड पर मकान है, जहां चोरी की घटना को लेकर धरियावद थाने में मामला दर्ज करवाया। रमेश देवासी ने बताया कि सदर बाजार में हमारी कपड़ों की दुकान लगा रखी तथा मेरा परिवार व नौकर हम सभी एक ही मकान में किराए पर रहते हैं। परिवार के कुछ सदस्य बाहर गए हुए मेरे घर पर सामान व नकदी पड़ी थी। मंगलवार के दिन को मैं प्रार्थी तथा मेरे नौकर हम सभी दुकान पर थे कि रात्रि 8:30 बजे के समय हम घर पर गए तो चोरी की वारदात का पता चला। आगामी होली त्योहार को लेकर दुकान पर कपड़ों की खरीद करने के लिए 5.5 लाख रुपये घर पर रखे हुए थे, जो चोरों द्वारा चोरी कर ले गए। घटना को लेकर धरियावद थाने में मामला दर्ज करवाया, जहां थाना CI ब्रजेश कुमार में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच मौका मुआवना किया। पीड़ित प्रार्थी ने शीघ्र ही राशि को बरामद करने व चोरों की गिरफ्तारी की मांग की। खबर आपकी राजस्थान से, हितेश पालीवाल की रिपोर्ट। और मेरे घर पे जो चोरी हुई है कल 8 तारीख को, तो दिन भर तो मैं दुकान पे था और जब दुकान बंद करके मैं रात को रूम पे जा रहा था तो रूम पे जाके देखा तो बाहर से मेरा लॉक लगा रखा था और अंदर से कुंडी लगा रखी थी। फिर मैंने दरवाजे के नीचे से देखा तो सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था और ताले वगैरह सब टूटे हुए थे। फिर मैंने अंदर जाके फिर वो खोला लॉक खोला, फिर अंदर जाके मैंने वो जो बैग था मेरे होली के सीज़न के हिसाब से मैंने पेमेंट इकट्ठा करके रखा था 5.5 लाख रुपये। तो 5.5 लाख रुपये मैंने होली के लिए इकट्ठे कर रखे थे, तो जब मैं जाके उस बैग को देखा तो वो बैग में पेमेंट नहीं था 5.5 लाख रुपये, और खाली बैग वहाँ पड़ा था और पूरा सामान बिखरा पड़ा था। फिर मैंने दरियावद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और मौके पर CI साहब और पुलिस वाले भी आए मेरे यहाँ पे रूम पे, उन्होंने मौका मुआयना किया। उसके बाद फिर हमने और मैं पुलिस से यही मांग करता हूँ कि मेरे 5.5 लाख रुपये नगद और कुछ आवश्यक सामान भी चोर लेके गए हैं, तो वो मुझे वापस दिलाए और कानूनी कार्रवाई करे और चोरों की तुरंत गिरफ्तारी करे, ताकि ऐसा कोई काम नहीं हो आगे।